और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सूरत से, जहां पर रघुवीर कपड़ा मार्केट में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि 9 मंजिल से आग बढ़कर अब 10वीं मंजिल तक पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड की 50 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। सूरत में आज सुबह 4 बजे से आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने की कोशिश भी लगातार हो रही है। चेतन पटेल हमारे सहयोगी और ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए। चेतन, पूरी खबर बताएं, क्या अपडेट है और वहां से? जी, खासतौर पर जो घटना है वो सूरत के सरौली रोड पे आई रघुवीर कपड़े मार्केट की है। सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण मार्केट में आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी कि 2 से 3 किलोमीटर दूर जो आग है वो आग दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे आग बढ़ के 1 माले से 10 माले तक पहुंच गई थी। जैसे ही आग का कॉल मिला, वहां पे फायर विभाग के जो अधिकारी है वो अधिकारी भी पहुंच गए थे। जिस तरह आग लगी थी इसके कारण ब्रिगेड कॉल जाहिर किया था। सूरत और जिले की मिलकर 50 से ज्यादा फायर फाइटर की टीम जो है वो टीम आग बुझाने में लगी है। जो आग है वो खूब विकरार है, क्योंकि जो कपड़ा है वो पॉलिएस्टर है, खास तौर पे जो पेट्रोलियम पैदाश है उसमें से ये कपड़ा बनता है, जिसकी वजह से जो आग है वो आग बढ़ती ही जा रही है। जो 9वें माले की जो आग थी अभी 10वें माले पर पहुंच गई है। वहां पे फायर माउजर का भी यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। आग पे कैसे काबू में लिया जाए, एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। नियर ये साफ हो पाया है क्या कि आग आखिर लगी कैसे, वजह क्या है आग लगने की? जी, खासतौर पर अभी जिस तरह फायर ऑफिसर से बात हुई है, फायर ऑफिसर ने बोला है कि जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। आग लगने के कारण जो पेट्रोलियम पैदाश का जो कपड़ा है उसमें ये आग लगी थी, उसके कारण ये पूरा जो कपड़ा मार्केट है वो आग में जल गया है। अभी आग बुझाने की कार्यवाही शुरू है। 50 से ज्यादा फायर फाइटर की टीम वहां पे मौके पर पहुंच गई है। जी चेतन, कुछ ये भी जानकारी है क्या इससे जुड़ी हुई भी, कि कुछ लोग अंदर रहे हो या आसपास के लोगों ने बताया हो इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी? जी, सुबह 4 बजे आग लगी थी, कपड़ा मार्केट जो था वो बंद था। जैसे ही आग लगी थी आसपास में जो भी अन्य जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में दौड़धाम का माहौल छा गया था। और दूसरी तरफ जैसे ही आग का कॉल मिला, फायर विभाग के अधिकारी भी वहां पे पहुंच गए थे। आग इतनी भयानक थी कि ब्रिगेड कॉल जाहिर करना पड़ा। यहाँ पे जो जिले की जो तमाम जो फायर फाइटर है उसकी भी मदद हाल लिया जा रही है। हजीरा, ONGC सभी के जो फायर फाइटर की टीम है वहां पे मदद के लिए पहुंच गई। ठीक है चेतन, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, 50 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में देखें।